मंडराया, बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर, दिल्ली को बाढ़ बारिश से अभी कोई राहत नहीं। यूपी के गाजियाबाद में उफान पर हिंडन नदी, तटीय इलाकों में बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से नदी का पानी शहर की सीमा तक पहुंचा, पोरबंदर में भादर नदी ने तबाही मचाई। पोरबंदर में कड़िया प्लॉट और मार्केटिंग यार्ड को जोड़ने वाली सड़क बंद, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, चार दिन से बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम, अब तक 27 शव निकाले। बारिश के बाद गुजरात के भावनगर में जगह जगह जल जमाव की समस्या, काली बियाड इलाके में सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। गुजरात के जूनागढ़ में सैलाब की तबाही की तस्वीरें आई सामने, जल निकासी के बाद खिलौनों की तरह बिखरी दिखी गाड़ी। गुजरात के जामनगर में खोडियार मंदिर के पास पानी हुआ ओवरफ्लो, रंगमती बांध का गेट खोला तो डूब गया मंदिर। गुजरात के अमरेली में ग्रामीण इलाकों में बारिश का कहर, पिपरिया गांव में बाढ़ जैसे हालात, बाबरा पान सड़ा जैसे इलाकों में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। महाराष्ट्र के नालासोपारा में सड़कें बनी सैलाब, पालघर में हर शहर में दिख रहा है जल तांडव, जोखिम के बीच सड़क पार करते दिखे लोग। जम्मू में चिनाब नदी का दिखा कहर, देखते देखते नदी में समा गया पूरा मकान, बारिश के कारण चिनाब नदी में उफान देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से तबाही, चार गाड़ियां बहा ले गया सैलाब। महाराष्ट्र के जलगांव में तापी नदी में उफान, हटनूर डैम के 41 दरवाजे खुलने से नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड बांध से छोड़ा गया पानी, बारी बारी से चार और गेट खोले जाएंगे, लोगों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी। पंजाब के गुरुदासपुर में रावी नदी में पानी बढ़ने से बांध में पड़ी दरार, 10 गांव और बीएसएफ की पोस्ट पर मंडराया बाढ़ का खतरा, कई एकड़ में लगी फसल भी हुई बर्बाद। राजस्थान के बारा में पार्वती नदी में उफान के बीच टापू पर फंसे दो चरवाहे, 50 बकरियां रात भर फंसी रही, एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर पलटा, जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया गया। बुरहानपुर में बारिश से नालों में उफान, रस्सी के सहारे युवक का रेस्क्यू हुआ। मणिपुर के हिंसाग्रस्त चूरा चांदपुर इलाके में पहुंचा एबीपी न्यूज, हथियारों के साथ कैमरे में कैद हुए कुकी लड़ाके। कुकियों के बंकर में बंदूकों और राइफल्स का ढेर, कल इसी बंकर से हुई थी 60 राउंड की फायरिंग। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मणिपुर की घटना को लेकर प्रदर्शन, चेन्नई में डीएमके की महिला विंग ने प्रदर्शन करके जताया विरोध। हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में डीपीसीसी के सदस्यों का बीजेपी सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन, मणिपुर में हिंसा को बताया डबल इंजन की सरकार की नाकाम। मणिपुर के पीड़ितों के लिए राहत का इंतजाम, थौबल जिले में विस्थापित परिवारों के लिए बनाया जा रहा है शेल्टर होम। मणिपुर की घटना को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कि कुर्सी के लिए मणिपुर में फैलाई जा रही है नफरत की आग। मणिपुर के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दर्दनाक है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, सरकार विपक्ष के साथ चर्चा को तैयार। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जताई चिंता, का उम्मीद है कि जांच एजेंसियां दोषियों को दिलाएंगी कड़ी सजा। मणिपुर के हालात पर एरोम शर्मिला ने जताई चिंता, कहा कि प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द उठाना चाहिए गंभीर कदम। मणिपुर में महिलाओं के साथ बेरहमी पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, देश की किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा अत्याचार। मणिपुर की हिंसा को लेकर कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि हिंसा के लिए बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार। पटना में जन अधिकार पार्टी ने मणिपुर की घटना और डोमिसाइल नीति को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सचिवालय हॉल्ट पर किया रेल चक्का जाम। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, कहा पीएम और महिला बाल विकास मंत्री को करना चाहिए मणिपुर का दौरा। मालदा में महिलाओं ने बेरहमी के खिलाफ बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया, कार्यकर्ताओं ने जोरा सांको पुलिस स्टेशन के सामने भी प्रदर्शन किया। नॉर्थ बंगाल के बीजेपी विधायक ने किया असेंबली में प्रदर्शन, मालदा में महिलाओं पर अत्याचार मामले को लेकर सदन में उठाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा सिर्फ मालदा नहीं बल्कि कई जगहों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन, मालदा घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर उठाए सवाल, मालदा में दो महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाया गया था। मिशन छत्तीसगढ़ में जुटी बीजेपी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, रणनीतियों पर हुआ मंथन। अमित शाह के रायपुर दौरे पर कांग्रेस का पलटवार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि अमित शाह रात में आते हैं सुबह चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की मूर्ति का शिलान्यास, वर्चुअली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर पर मौन सत्याग्रह, मानहानि के केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा का विरोध।
एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ गरजे राजेंद्र गुढ़ा, बोले कि मैं नहीं होता तो मुख्यमंत्री जेल में होते। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव का राहुल गांधी पर प्रहार, कहा कि राहुल के धान रोपने से हरियाणा में आई बाढ़, किसानों की फसल हुई बर्बाद। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कहा कि दिल्ली की शक्तियां छीनने वाला अध्यादेश नाजायज, इसलिए इसे नहीं किया जाना चाहिए पेश। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि नीतीश राज में चरम पर है अपराध। गया में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं नीतीश। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी, 25 जुलाई की शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ विकास पर्व का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। गोरखपुर क्षेत्र के युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात, 2 एकड़ में भाटी विहार में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। रुद्रपुर को कूड़े की समस्या से अब मुक्ति मिलेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का किया लोकार्पण। बिहार के नालंदा में बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाल लिया गया, 8 घंटे में 40 फीट की गहराई से सुरक्षित निकाला गया बाहर। दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौत के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, आर्म्स एक्ट के तहत लॉकअप में बंद था शहादत शेख। दिल्ली से सटे नोएडा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई, फायर इंजन की गाड़ियों को आग पर काबू पाते हुए देखा गया। बिहार के मोतिहारी में पकड़े गए चीन के 2 नागरिक, बिना वीजा भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश, पूछताछ के बाद रक्सौल हरैया ओपी को सौंपा। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने पर बवाल, 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी, 2 पुलिस वाले भी हुए जख्मी। उत्तराखंड के रुड़की में टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत, गुस्साई भीड़ ने लगाई कार में आग। रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, बोली कि रामलला के दर्शन करके धन्य हो गई। एमपी के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत, 3 राजस्थान के झालावाड़ निवासी। अयोध्या विकास महायोजना का 2रा चरण शुरू, बढ़ाया जाएगा अयोध्या धाम का क्षेत्र, सरयू किनारे बसे गोंडा और बस्ती के कुछ क्षेत्र भी होंगे शामिल। राजस्थान के डूंगरपुर में बच्चियों के रेप के मामले में नया खुलासा, मोबाइल की FSL रिपोर्ट आई सामने, हेडमास्टर के मोबाइल में मिली 6 से 7 साल की बच्चियों की आपत्तिजनक तस्वीर। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघ के हमले में युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट पर लगाया मनमानी का आरोप। यूपी के आगरा में बढ़ा आईफ्लू का प्रकोप, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल जाने वालों में से 70% आईफ्लू के मरीज।